करते हैं इसलिए जब हमारी ज़मीन बोई है और पहले से ही पैमाइश भी बया 3-4 साल पहले, आज उस ज़मीन पर रामविलास प्रधान नाप करके पलटो ज़मीन का जाए तो हमारी ज़मीन बंजरा तो हमें तो ज़मीन दी गई है, डीएम साहब के आदेशानुसार दी गई, और आज ग्राम प्रधान हमारे ऊपर हमला बोल रहे हैं। क्या आपको फसलें खड़ी थी वहाँ पर? फसल गेहूँ भी है, राई भी खड़ी है, आलू भी, सब फसल, सब्जियां भी खड़ी है। कोई कटरी वटरी की जमीन है क्या? हाँ, कटरी के साहब। तो क्या आप लोगों को अलर्ट है वो? हाँ बिल्कुल साहब, अलर्ट है। खड़ी फसल में क्या किया उन्होंने? गेहूँ, हमारी फसल वहाँ गेहूँ है, राई है, आलू भी है, गोभी भी है, सब चीज है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने आए कि धूरा बंदी करके कात मैं पलट दूंगा, रखेंगे नहीं, तो उनसे यही कही। कहाँ गुहार लगाई है? डीएम साहब पास लगा। क्या कहा डीएम साहब? डीएम साहब ने कही कि उसको हम कानूनी कार्रवाई करके उसको बंद करवा। इसलिए कर रहे हैं कि मेरी जमीन है, अपनी जोती जमीन बही हुई है जमीन, उसमें वो लोग कब्जा कर रहे हैं रामविलास प्रधान। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका अवैध कब्जा हो, क्योंकि काफी दिनों से ये लोग अवैध कब्जा करके खेती करते थे, इसमें जो ग्रामवासी हैं उनकी भी आपत्ति आती थी। तो ये ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अवैध कब्जा किया हो और दिए गए निर्देशों के क्रम में अगर एसडीएम सदर के द्वारा या भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा जो नियमानुसार कार्रवाई की जा रही हो उसके विरुद्ध कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। तो जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी।